बात हो रही है अच्छे शौहर की पहचान और अच्छी बीवी की पहचान। आज का हमारा मौजू है अच्छी बीवी की पहचान। जब बेटी की शादी होती है तो माँ अपनी बेटी को समझाती है, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आँखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर कनात वाली ज़िंदगी गुजारने का एहतमाम करना, जो दाल रोटी मिले उसी पर राज़ी रहना, जो रूखी सूखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो उस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराज़गी से दिया हो। ये बहुत ही कीमती बात है हमारी बेटी और बहनों के लिए। सबसे पहली बात यह है कि माँ कह रही है बेटी से, मेरी आंखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर कनात वाली ज़िंदगी गुजारना, यानी जो मिल जाए उसी में खुश रहना, उसी में राजी रहना। शौहर की खुशी से रूखी सोखी रोटी मिल रही है और नाराज़गी से शौहर मुर्ग और पुलाव खिलाए। रूखी सूखी रोटी खा लेना मगर पुलाव की तमन्ना मत करना। और दूसरी बात, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अगर हमारी बहनों ने हमारी बेटियों ने अगर इस बात पर अमल कर लिया, कभी उसके घर में लड़ाई नहीं होगी और शौहर उसकी हर बात मानेगा। और दूसरी बात क्या समझाती है माँ अपनी बेटी को, और इस बात का ख्याल रखना कि अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना और उसको अहमियत देना और हर हाल में उसकी बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उसके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। बहुत अच्छी माँ ने अपनी बेटी को ये नसीहत की। तीसरी वसीयत क्या की माँ ने अपनी बेटी के लिए, जो हमेशा याद रखने वाली है, अगर हमारी बेटियाँ हमारी बहनें अगर इस पर अमल कर लेंगी तो कभी उन्हें ये कहने का मौका नहीं मिलेगा, ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे शौहर हमारी सुनते नहीं या हमें परेशान रखते हैं। तीसरी बात क्या है, मेरी प्यारी बेटी, अपनी जीनत व जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो कि मैंने बहुत अच्छा किया तुमसे शादी करके, और सादगी के साथ जितना हो सके खुशबू का एहतमाम ज़रूर करना। माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि खुशबू का एहतमाम ज़रूर करना और याद रखना कि तेरे जिस्म व लिबास की कोई बू यानी बदबू या कोई बुरी हैत यानी ऐसा लिबास पहने जिससे शौहर को कराहियत और नफ़रत दिलाए, इस बात से भी बचना। तीसरी बात यानी अपनी जीनत व जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर कर देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया ऐ बीवी तुमसे शादी करके, और सादगी के साथ जितना हो सके उतना खुशबू इस्तेमाल ज़रूर करना, ये लाजमी चीज़ है। और तेरी बदबू से या तेरे ऐसे पहनावे से अगर शौहर को नफ़रत हो, कराहियत हो, परेशानी हो तो ऐसा काम कभी मत करना। चौथी बात क्या समझाती है मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आँखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना। कितनी अच्छी बात है, मगर आजकल का माहौल तो हम देख ही रहे हैं कि जीनत और बनाव सिंगार कब किया जाता है, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आँखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, खूबसूरत बनाना, क्योंकि पुरकशिश आँखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वजू का एहतमाम करना कि ये सबसे अच्छी खुशबू है और पाक रहने का बेहतरीन ज़रिया है। पांचवी बात, पांचवी नसीहत माँ अपनी बेटी के लिए क्या समझा रही है, मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर का खाना वक्त से पहले एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की तरह हो जाती है और उनके आराम करने और नींद पूरी करने के वक्त में सुकून का माहौल बनाना घर में, नींद के वक्त और आराम करने के वक्त घर में सुकून का माहौल बनाना।
क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी वसीयत, छठी बात माँ अपनी बेटी को क्या समझाती है? मेरी प्यारी बेटी, यानी अपने शौहर के घर और उनके माल की निगरानी यानी देखभाल, उनके बगैर इजाज़त कोई घर में ना आए, यानी माल की निगरानी करना और बगैर इजाज़त शौहर के घर में ना आए, और उनका माल लगवियात यानी फजूल नुमाइश फैशन में बर्बाद ना करना शौहर का माल, क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्न इंतज़ाम से होती है, अहलो अयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदबीर से। सातवीं बात माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या समझाई? मेरी प्यारी बेटी, उनकी राजदार रहना यानी अपने शौहर की राजदार रहना और उनकी नाफरमानी ना करना, क्योंकि उन जैसे बारौब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी, और तुम अगर उसका राज औरों से छुपाकर ना रख सकी तो उसका एतमाद तुम पर से हट जाएगा। अगर कोई राज की बात है, कोई छुपाने की बात है, तो वो किसी को बताना मत, और अगर तुमने बता दिया राज तो शौहर का भरोसा तुमसे हट जाएगा और फिर तुम भी उसके दो रुखेपन से महफूज नहीं रह सकोगी, यानी उसके फिर उससे तुम्हें वफा नहीं मिलेगी, उसके दो रुख हो जाएंगे, दो चेहरे हो जाएंगे। आठवीं बात क्या समझाती है माँ अपनी बेटी के लिए? मेरी प्यारी बेटी, जब वो किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उनके सामने ना करना। शौहर अगर गमगीन बैठा हो, उदास बैठा हो, अपनी किसी खुशी का इजहार मत करना, उनके गम में बराबर की शरीक रहना। शौहर किसी खुशी के वक्त अपने छुपे हुए गम के असरात चेहरे पर न लाना। शौहर अगर गम में है या किसी परेशानी में है तो अपनी खुशी का इजहार मत करना, तुम खुश मत होना, उसके गम में शरीक रहना। और अगर शौहर खुश है उस वक्त तुम अपने किसी गम का इजहार मत करना, और ना शौहर से उनके किसी रवैये की शिकायत करना। उनकी खुशी में खुश रहना, उनकी सैर को कहर ना करना, वरना तुम उनके कल्ब को तोड़ने वाली शुमार हो जाओगी, उनके दिल को तोड़ने वाली में शुमार हो जाओगी। नवीं बात क्या बताई, क्या समझाई माँ ने अपनी बेटी के लिए? मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम उनकी निगाहों में काबिल तकरीम बनना चाहती हो, अपने शौहर की निगाहों में काबिल तकरीम इज्जत वाली बनना चाहती हो, तो उसकी इज्जत और एहतराम का खूब ख्याल रखना और उसकी मर्जियात के मुताबिक चलना, तो उसको भी हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी के हर हर मरहले में अपना बेहतरीन रफीक पाओगे। दसवीं बात माँ ने अपनी बेटी को क्या समझाई? मेरी प्यारी बेटी, मेरी इस नसीहत को पल्लू से बांध लो और इस पर गिरह लगा लो कि जब तक तुम उसकी खुशी और मर्जी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी और उनकी बात ऊपर रखने के लिए ख्वाह तुम्हें पसंद हो या नापसंद, जिंदगी के कई मरहलों में अपने दिल में उठने वाली ख्वाहिशों को दफन नहीं करोगी, उस वक्त तक तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों के फूल नहीं खिलेंगे। कितनी अच्छी बात कही माँ ने अपनी बेटी से, यानी शौहर को जो पसंद है वैसा ही करना, चाहे तुम्हें वो अच्छा लगता हो या ना लगता हो। कहा कि अपनी ख्वाहिशों को जब तक अपनी दफन नहीं करोगी, जो तुम्हारे अंदर ख्वाहिशें हैं, जो तुम्हारे अंदर तमन्नाएं हैं, उनको बिल्कुल ख़त्म कर दो। जब तक ख़त्म नहीं करोगी अपनी ख्वाहिशों को, उस वक्त तक तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियों के फूल नहीं खिलेंगे। ऐ मेरी प्यारी लाडली बेटी, इन नसीहतों के साथ मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले करती हूँ। अल्लाह ताला ज़िंदगी के तमाम मरहलों में तुम्हारे लिए खैर मुकद्दर फरमाए और हर बुराई से तुमको बचाए। ये थी आज की बात माँ ने अपनी बेटी के लिए जो नसीहतें की। हर बेटी अमल कर ले अपनी ससुराल में जाकर, फिर उसके बाद जो नतीजा निकलेगा, जो उसे उसका फल मिलेगा, वो ये होगा कि फिर शौहर उसकी हर बात मानेगा। ये हदीस कुदसी भी है। होता यह है कि जब बंदा अल्लाह की बात मानता रहता है, अल्लाह का हर हुक्म मानता है,
अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहता है। जो अल्लाह ताला कहता है वो करता है, जो अल्लाह ताला मना करता है उससे रुक जाता है, जो अल्लाह को पसंद होता है वही करता है, जो अल्लाह को नहीं पसंद होता है वो नहीं करता है। फिर ये मकाम हो जाता है उस बंदे का। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ बंदे, अब तक तूने वो किया जो मैंने चाहा, अब तू जो चाहेगा वैसा मैं करूँगा। यही तो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। तो ऐसे ही अब अगर हमारी बहनें, हमारी बेटियां अपने शौहर को खुश कर लें, फिर शौहर ये कहेगा अब तुम जैसा चाहोगी वैसा ही मैं करूँगा। पहले और जिनकी शादियां हो गई हैं उन्हें चाहिए कि पहले अपने ख्वाहिशों को दफन कर दें, अपने अरमानों को अपने सीने में ही दफन कर दें। कुछ महीनों के बाद वो वक्त आएगा फिर शौहर तुमसे बगैर पूछे कोई काम नहीं करेगा, यानी फिर शौहर कहेगा तुम बताओ क्या चाहती हो, इतना खुश हो जाएगा। तो यही मिसाल है कि अगर आप अगर अपनी ज़िंदगी में खुशियां लाना चाहती हैं तो आपके लिए जब तक आप अपनी खुशियों को दफन नहीं करेंगे, अपने ख्वाहिशों को दफन नहीं करेंगे, जब तक आप ससुराल में अपने शौहर का दिल नहीं जीत सकती हैं, और जब तक दिल नहीं जीतेंगी, जब तक आपके घर में आपके दिल में खुशियां नहीं आ सकती। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।